अस्सलामुअलैकुम, PK24 जॉब की तरफ से मैं हूँ इस्माइल अब्बास। दोस्तों, FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर भर्ती आ गई है। पूरे पाकिस्तान से आप लोग घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी पोस्टें हैं, आपके पास कितनी तालीम होनी चाहिए, अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार है, आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, एज कितनी दी गई है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। और सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, तजर्बा नहीं भी है, तो आप लोग इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इंटरेस्टेड हैं FBR के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग ने गूगल ओपन करना है अपने मोबाइल के अंदर, और गूगल के अंदर आपने सर्च करना है PK24 जॉब्स। जो ही आप लोग सर्च करेंगे, टॉप पर वेबसाइट आ जाएगी वेलकम टू PK24 jobs.com। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करनी है। जो ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने टू डे जॉब्स वाले आइकन के ऊपर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये आप देख सकते हैं नादरा के अंदर जॉब्स आई हुई हैं, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आई हुई है, और तीसरे नंबर पर FBR जॉब 2022 गवर्नमेंट जॉब 2022 यह पोस्ट है। दोस्तों आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करके इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। पोस्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने तमाम तरह डिटेल्स आ गई है। यहाँ से आप लोग रीड कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, जॉब लोकेशन पाकिस्तान है, न्यूज़पेपर नेम डेली एक्सप्रेस है, गवर्नमेंट जॉब है फुल टाइम के लिए, तालीम आपके पास मैट्रिक से लेकर मास्टर तक होनी चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक से लेकर मास्टर तक है। तो कोटे की बात की जाए तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, JK के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 अक्टूबर 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पोस्टें आ रही हैं। असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रेजुएट तालीम होनी चाहिए, एज लिमिट 28 साल से लेकर 33 साल तक है, और इसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, तालीम आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए, एज लिमिट 25 साल से लेकर 30 साल तक दी गई है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, बेटर तालीम है, एज लिमिट 25 साल से लेकर 30 साल तक है। अपर डिवीजन क्लर्क UDC की पोस्ट है, क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए, एज लिमिट 25 साल से लेकर 30 साल तक है। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की पोस्ट है, तालीम मेट्रिक, एज जो है 25 साल से लेकर 30 साल तक दी गई है। ड्राइवर की पोस्ट है दोस्तों, प्राइमरी तालीम होनी चाहिए, एज 30 साल से लेकर 35 साल तक के। नायब कासिद की पोस्ट है, तालीम प्राइमरी होनी चाहिए। चौकीदार की पोस्ट है, तालीम प्राइमरी, और दोनों के लिए एज लिमिट 25 साल से लेकर 30 साल तक। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, यहाँ पर अप्लाई प्रोसीजर है, और इससे नीचे आते हैं यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट मौजूद है। यहाँ पर पोस्टें आ रही हैं, और यहाँ पर नीचे सेंटर आ रहे हैं, किस किस सेंटर के अंदर कितनी कितनी पोस्टें मौजूद है, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों किस सेंटर के अंदर कितनी पोस्टें और किस प्रोविंस की है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी नीचे यहाँ पर फर्दर डिटेल दी गई है, यह आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो अप्लाई प्रोसीजर से नीचे लिंक आ रहा है nationaljobportal.gov.pk का, आपने इसके ऊपर क्लिक करनी है, तो आप नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर चले जाएंगे। इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद दोस्तों आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अवेलेबल जॉब्स के अंदर काफ़ी डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ पोस्टें आ रही हैं। आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, और यहाँ पर आपने FBR का जो डिपार्टमेंट है उसके पोस्टें देख लेनी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर कोई और डिपार्टमेंट आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ, और नीचे यहाँ से दोस्तों स्टार्ट हो रहा है FBR रिवेन्यू डिवीजन की। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं असिस्टेंट है, सारी पोस्टें आ रही हैं। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर आपने क्लिक करनी है। आगे आप लोगों ने अगर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन करना है, नहीं तो साइन अप करना है, उसके बाद आप फॉर्म फिल करके सबमिट के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपका मुतलका पोस्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा। ये दोस्तों FBR के अंदर पोस्टें आई हुई हैं, जिनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दीजिए इस्माइल अब्बास को इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।